न्यू गेम में भी कह सकते हैं, न्यू गेम के साथ हम आ चुके हैं। आपको तो पता ही है, थंबनेल लेके समझ गए हो क्या चीज़ में लेके हैं ये अपना COD। एज यू नो, बहुत लोग आप लोगों को पता है कि हमारा पबजी मोबाइल जो इंडिया में बैन हो चुका है ड्यू टू कुछ चाइना के साथ इश्यूज़ के चलते, बट कहने का बहुत है कि वापस आ सकता है, राइट्स बिक्री हो रही है पबजी का, हमें पता है। बट इन सब्स्टिट्यूट साइड में अगर बोलूँ तो COD आप खेल सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं डायरेक्टली COD शिफ्ट करना है या नहीं करना है, तो हार्ड है, इशूज़ है, उसके बेसिस में मैं बता सकता हूँ आपको कि वीडियो पूरी एंड तक देखना। चलो नए हो COD खेलने के लिए मोबाइल में, उनके लिए सब दो पार्ट्स मैंने वीडियो बनाई है, Controls 1 Controls 2 करके आपको दोनों हर चीज़ में समझा दिया जाएगा। बट एक बात कहना चाहूँगा, छोड़ो एंड में कहूँगा, ठीक है? तब तक के लिए वीडियो अगर देखना चालू कर दियो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन को प्रेस कर दो। लेट्स गो, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड फर्स्ट देख सकते हैं ये हमारा है किल कन्फर्म। इस किल कन्फर्म वाला जो ऑप्शन है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आपको 5v5 मैचेस होता है, अपने टीममेट्स के साथ खेल सकते हैं, ऑटो मैचिंग भी कर सकते हो। नीचे स्टार्ट में ऑप्शन आएगा, बट कुछ इसमें कुछ इशू नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, मैच जो स्टार्ट हो जाएगा आपको TDM खेलो अपने पबजी में, पबजी का TDM ही समझो। बट इसमें आपको क्या करना है, जस्ट आपको अपना बंदे को किल करके उसके वहाँ पे गिरा रहेगा चेन या लॉकेट, आपको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके सीधा कंटिन्यू करता है बस। अब उतना जो ज़्यादा कलेक्ट करेगा वो उतना जीतेगा। टोटल पॉइंट्स होते हैं 40, आप ऊपर देख सकते हो 40 पॉइंट्स का है किल कन्फर्म्ड। जो जीतेगा वो जीत जाएगा यहाँ पे। इसका सबसे बेस्ट होता है COD का कि आप यहाँ पे जायरो भी खेल सकते हो, नो इशू। आप जैसे पबजी में जायरो प्लेयर होगे आपके लिए बहुत ज़्यादा की थिंग होगा यहाँ पे जायरो खेलना। बट मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा जितने बंदे को, जिनका डिवाइस सही नहीं है, प्लीज़ डोंट यूज फॉर द जायरो, बिकॉज जायरो पर मैटर करेगा क्योंकि इस गेम का तो जायरो हल्का स्लो है। इससे बेटर है मेरे ख्याल से आपको नॉर्मली खेलो, अगर डिवाइस सही हो तभी जायरो ऑन करो। और एक बात इसके कंट्रोल्स लेके कहना चाहता हूँ कि जो आप दो शूट बटन देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे राइट नाउ, एक जो नीचे वाला शूट बटन है ये राइट वाला जो होता है, उससे क्या होता है जब भी प्रेस करोगे वो ADS खुलेगा, वो ADS खुल के स्प्रे होगा, ये इनबिल्ट फीचर है। और लेफ्ट में जो है मेरे ऊपर वाला शूट बटन, उससे क्या होता है वो नो स्कोप चलेगा। तो अगर आपको चेंजेस करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, सेटिंग में जाकर, मैं एडवांस में कर चुका हूँ। तो ये मैं ओल्ड लेआउट, न्यू लेआउट आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी जिसमें मैंने चेंजेस किए हैं, आपको दिखा भी दूंगा कैसे करते हैं। ये मैंने कारण देखा, नो स्कोप मैंने मारा ये। तो इसमें इन शॉर्ट आपको ये किल कन्फर्म है, आपको जितने बंदे को मार के जल्दी लॉकेट कलेक्ट करने, जो जल्दी से जल्दी कर देगा कलेक्ट 40 हो जाएंगे। जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किसी को मैंने मारता हूँ, आपको देखने लॉकेट देखिएगा, अभी देखो ब्लू रॉन्ग की लॉकेट देख सकते हो, वो मेरी टीममेट की जो ओपोनेंट ने मारा, हमको उसको कवर अप करना है, कवर देना, कोई उठाना पड़ा। जैसे मैंने उसको मारा, रेड लॉकेट था, हमने उठा लिया एंड काउंट होगा हमारे। तो इन शॉर्ट किल कन्फर्म इज अ ट्रीट, मस्त कर सकते हो, अच्छा है। बट बैटल रॉयल से बेटर है, मैं आपको बैटल रॉयल बताऊँगा एंड में। एंड आपको ये कंफर्म करते 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 जब मैच एंड तक पहुंच जाएगा, उस इंटरफ्रेंस आपको मैं शो करना चाहता हूँ, कैसा इंटरफ्रेंस आता है गेम का, जो क्वालिटी है, आपको जो मज़ा आएगा एंड में। डेथ रिप्ले दिखाता है जो एंड शॉट मारता है, उसका मज़ा ही अलग है ब्रो। मैं आपको फाइनल डेथ कम दिखाता हूँ इस वाले मोड का, ये है, अब देख सकते हो इंटरफ्रेंस ऐसा। अब ये तो आप देख के समझ ही गए हो टाइटल क्या है, टीम डेथ मैच ब्रो। आपको टीम डेथ मैच तो पता ही क्या होता है, इन पबजी मोबाइल के अगर फैन हो तो आपको पता ही होगा टीम डेथ मैच क्या आता है, TDM टीम डेथ मैच। जस्ट 5v5 6v6 10v10 जितना के चाहो आप खेल सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन बहुत है। एंड जस्ट आपको जो 40 केस जो जल्दी करेगा जो टीम हो जाएगी, इससे अच्छा क्या बताया। और नीचे जो कंट्रोल्स लेके जो है COD के कंट्रोल्स लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, उसके लिए आपको कोई इशूज़ नहीं है कि कंट्रोल्स में क्या और इशूज हो, और डिस्क्रिप्शन में दूंगा और अच्छे से दूंगा क्लियरली तो समझ आए। बट यहाँ पर पहले मैं आपको गेम का जो मैप्स है उसके बारे में क्लियरफाइड कर रहा हूँ। ओके, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछो, कमेंट सेक्शन में तो वही। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं M249 यूज़ कर रहा था, M249 भी यहाँ पे है जिसका रिकॉयल कंट्रोल करना इस क्वाइट थोड़ा इजी है। बट AKM का यहाँ पे तो उल्टा है, पता आप लोगों को इस चीज़ में बता नहीं सकता कि आप खेलोगे तभी समझ आएगा आपको। ओके, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो किल कैम यहाँ पे देख सकते हो, हर मरने के बाद आपको किल कैम देखने मिलेगा। बट बहुत बंदा जो डाउनलोड करते हैं सोचते हैं भाई इतना टफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इतना कुछ सोचने का नहीं ब्रो, जस्ट फॉर फन एक एक ट्राई करो। अगर नहीं आता है, कुछ नहीं आता, मेरी वीडियो सेकंड पार्टी बनेगा, थर्ड पार्टी बनेगा, आप जितने पार्टी बोलो बना देंगे, हर एक एक मैप को लेकर इवन मैं बना दूंगा। कुछ भी जो कॉमेंट में बताओ हम सब कुछ बताएंगे, रेडी है। इवन नेम चेंज करना उसको लेकर भी हम बता देंगे आपको। तो गाइज कुछ इश्यूज कॉमेंट में बताओ। यह है टीम डेट मैच, आपको तो पता ही है, नीचे जो प्लेन कैन हो सब सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल आपको मैप्स को लेकर मैं समझा रहा हूँ। ओके, जब तक आपको और कोई मैप्स के लिए स्पेशल क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा आप चाहे तो, या मैं इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, सो फॉलो मी गाइस। अब आता है हार्ड पॉइंट,
ये जो मैप है, ये जो गेम प्ले वाला मैप है फुल, आपको 5v5 भी कर सकते हो, 6v6, 10v10 जितने मैं आप कर सकते हो, 4v4 भी कर सकते हो, बट इसमें अंतर है टीम ऑलमोस्ट इट्स सिमिलर टू टीम डेथ मैच, बट इसमें जो अंतर है वो है 150 पॉइंट्स का। आपको यहाँ 150 पॉइंट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, ये मे बी 2 राउंड या 3 राउंड तक जाता है, मैंने जितना खेला था हमको याद है। एंड टीम डेथ मैच में क्या होता है, आपको एक राउंड में 40 किल्स करने पड़ते हैं इन शॉट इन टोटल, तो ये ऑलमोस्ट आपको मैंने TDM ही समझो, बट थोड़ा ज़्यादा किल्स करना है, थोड़ा टफ होगा। इसमें बंदे हाई लेवल के मैचिंग होते हैं, अगर आप नए भी हो गेम में, नए आईडी बनाए हो, नए लेवल के हो, इवन लो लेवल के हो, तो आपको बंदे हाई लेवल के मिल सकते हैं इसमें, कि बंदे सारे अच्छे बंदे यही खेलते हैं हार्ड मैच वाला, तो इसमें अच्छा गेम प्ले होता है, अच्छा कॉम्पिटिशन होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप पबजी COD पर नए आए हो, पबजी सीधा चेंज ऑफ करके इसको थोड़ा सा बाद में कुछ दिन बाद ट्राई आउट कर सकते हो, बट जब आप लग रहे हो कम्फर्टेबल हो, यू मस्ट गो फॉर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये वन ऑफ द बेस्ट मैंने गेम प्ले शो करने का मैप है, बहुत अच्छे अच्छे मैप्स है ब्रो। मैं आपको जो कह रहा हूँ सबको, आप लोग पसंद कुछ भी नहीं आए हमको बोलना, हम नाम चेंज करने का अपना चैनल का ब्रो, ये सिर्फ और बोल रहा है। ओके तो यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन में सब दिखा सकता हूँ, गेम प्ले हो सकता है वो ठीक है, 150 पॉइंट्स वहाँ पे है, पर राइट लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो मैं शूट पॉइंट का वहाँ पे 150 पॉइंट्स का वहाँ पे है, 37-38 ओपोनेंट मार रहे हैं हम लोग 9 पॉइंट पे, आप समझ सकते हो कौन सी लेवल की फाइट हो रही थी, ओपोनेंट हमको इतना इशूज कर रहे थे, हम लोग किल्स करने में भी इतना इशू हो रहा था कि बंदे इतना अच्छा स्प्रे देते। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मैप पे, वन ऑफ माई फेवरेट मैप ऑफ दिस गेम, एंड वो है स्नाइपर गैंग। अब देख सकते हो जो इंटरप्रिटेशन है दिखा जा राइट नाउ, ये स्नाइपर ओनली का मैं अपने टीममेट से ज्वाइन इन कर चुका था, मेरे सारे बंदे रेडी थे, सबके फुल बंदे, एंड हमने 5v5 लगाया था, तो टोटल आप 6 जन सारे ले सकते हो लॉबी के अंदर इस मैप के लिए। एंड ये है इंटरप्रिटेशन, आपको सबको सबका स्नाइपर रहेगा इन शॉर्ट, आपको पबजी में अब याद किया स्नाइपर ट्रेनिंग खेलो, बट वो जो मैप थ्रू इतना बड़ा मैप में खेलना पड़ता था, आपको यहाँ पे जस्ट एक छोटे से रूम के अंदर TDM टाइप के रूम के अंदर आपको नोस्कोप या स्कोप इन करके ADS खोल के आपको मारना पड़ेगा ओपोनेंट्स को। यहाँ पे भी आपको दिखाया जाता है वेडिंग फॉर वन प्लेयर, जैसे वहाँ TDM में दिखाया जाता है, वहाँ बंदे का वेट करते लॉबी में, लॉबी में बैठे होते बंदे आएंगे मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो वैसा कुछ बात है नहीं। जब मैच स्टार्ट होगा आप देख सकते हो, कंट्रोल्स के बारे में बोलता ना चाहता हूँ, इसी बीच की जब मैच स्टार्ट होता है कंट्रोल्स में आप देख सकते हो, मेरे कंट्रोल्स मैंने ऊपर लेफ्ट में रखा, 3 फिंगर रखा, जायरो मेरा ऑन है, आपको जायरो का सेटिंग्स देखना है मेरा कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालूंगा मैं। लेट्स गो, अब देखते हो मैच स्टार्ट होने के लिए ऑलमोस्ट आ चुका है, बट यहाँ पर गन आप स्वाइप कर सकते हो लोड आउट में जाके, लोड आउट में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं सेटिंग्स खोल के अपने ADS सेटिंग्स चेक कर रहा था, मैंने सेंसिव चेक करने की कोशिश की, अब देख सकते हो मैंने शूटिंग क्या चेंज किया, मैंने साइज बड़ा कर सकते हो आपको हिसाब से, आप 4 फिंगर खेलते हो 4 फिंगर कर लो, प्रो 3 फिंगर खेलते 3 फिंगर खेलो, पर मैं एक प्रेफरेंस अगर दूँ, अगर एक ऑप्शन जो अच्छा कि कर्सर हो जितना छोटा रख सकते हो छोटा हो, बिकॉज उससे कंट्रोल करने बहुत अच्छा था, खासकर COD में, पबजी में तो था ही, बिकॉज COD का तो सिर्फ गेम प्ले हल्का सा मैंने अटकता है हल्का सा इन कम्पेयर टू पबजी, आपका पबजी डायरेक्ट शिफ्ट किया हो तो इशूज हो सकता है, इसलिए आपको स्नाइपर ट्रेनिंग का गेम प्ले दिखा सकता है। मैंने लोड आउट चेंज करके दूसरा गन लिया था, DL21 लिया था, अगर मेरे हाथ में देख सकते हो, अगर कुछ गेम तो दिखाते हैं प्रो, लेट्स सी। अगर यहाँ पे अगर इस एंगल से आकर वहाँ भी बंदे पिक लेंगे, आपको यहाँ ओपन पिक लेके यहाँ पे नॉक करना पड़ेगा, स्नाइपिंग स्किल्स का मैप है पूरा, एक शॉट मारते हुए नॉर्मल किल 125 डैमेज के साथ पॉइंट लेते हुए, तो बंदे यहाँ पे टॉप लेवल के, ऐसे नहीं होता कि सब नूब आएंगे, आप शॉट मारे तो भी नहीं मार सकते, एंड ये देखना जैसे मैंने कहा एंड आई गॉट द शॉट, तो ये चीज़ होता है कि ब्रो गेम प्ले बहुत सही है, आप सब बंदे इक्वल लेवल के, यहाँ पे कोई प्रो नहीं है, कोई मॉडल नहीं, कोई स्काउट नहीं, यहाँ पे सब एक लेवल के मॉडल, एक लेवल के स्काउट, तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपको परफॉर्म करने का, यहाँ पे उस लेवल का भी कॉम्पिटिशन चालू नहीं है स्पोर्ट्स में COD मोबाइल को लेकर राइट नाउ, बट अगर आप चाहना चाहते हो कॉम्पिटेटिव में COD को लेकर देन गो राइट नाउ, बिकॉज ये अभी बिगिनिंग है, बाद में चीज हाइक हो सकता है, चांसेस बढ़ सकते, कॉम्पिटिशन और बढ़ सकता है, तो मैं कहूँगा कि अभी इज़ द बेस्ट टाइम। एंड यहाँ पर देख सकते हो जैसे डिफीट का जो या विक्ट्री का जो इंटरप्रेटर आता है ऐसा आता है साइबर ट्रेनिंग में, एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या, हमको लगता है कि फाइनल गेम दिखाता है, जो भी मारता है तो अगर हारे हो तो अलग खराब लगेगा, बट जीते हो अभी तो मारे दो टीम ने जो मारेगा फाइनल गेम तो अच्छा लगेगा ना, डिज़ाइन शो करने का प्रेफरेंस जो होता है। एंड अब आता है फ्री फॉर ऑल, इसमें आप देख सकते हो सबसे मैंने वन सबसे मजेदार मैप्स में से एक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको सारे बंदे अगर एक साथ खेलना चाहते हो टीम फ्रेंड्स को बुला के खेलना चाहते हो, जस्ट आपको अपने मैच कनेक्ट करना है फ्रेंड्स के साथ, इसमें जो जिसको पाएगा मारेगा, जिसको सबसे ज़्यादा एंड में किल्स होगा वो जीतेगा। जैसे आपको मैं एक गेम प्ले का थोड़ा शॉट दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जैसे टाइमिंग स्टार्ट हुआ, वो बंदा मेरे सामने खड़ा था, मैंने उसको स्प्रे किया एकदम डेथ, कोई भी होगा उसको मार सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे 4 या 5 कॉम्बो लिया था मेरे से, मैंने जितना याद है हम उस मैच का 2-3 बंदे को मारा था यहाँ पे, बट गाइस आपको लगता होगा गेम प्ले रिकॉर्डिंग देखिए बहुत ईजी गेम है, नो ब्रो इट्स नॉट, आपको स्टार्टिंग में लग रहा है, पर जितना आप लेवल बढ़ाओगे, मैं लेवल थोड़ा कम है 20 या 22 में है, तो अभी इससे थोड़ा हल्का इजी चार्ज मिल रहा है, बट
जितना ऊपर जाओगे आपके लिए इतना अच्छा बात होगा ये कंट्रोल्स एंड ऑल। ये फ्री फॉर ऑल सब मस्ती के लिए, जैसे आप वहाँ पे 120 गेम करते हो, 220 गेम करते हो, यहाँ पे ये इनशॉर्ट फ्री फॉर ऑल बोलता है, ऐसे ही खेलते विदाउट रूल बनाए। तो अगर ये वीडियो पहला पार्ट वन आपको पसंद आया हो तो कॉमेंट सेक्शन में हमको बताओ इसके पार्ट टू अपलोड करना है। अगर पार्ट वन पसंद आया तो अभी बाद में और तीन जो चार या मैप जो प्रॉप मैप और एक और दो तीन मैप है तो गन फाइट मैप एंड बैटल रॉयल को लेके मैं पार्ट टू बनाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड अगर बोलते हो तो उसमें कंट्रोल सेटअप लेके भी मैं कर लूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको चाहिए पार्ट टू आए प्लीज़ कमेंट में लिखो पार्ट टू #part2 विद हार्ट, हम कर देंगे ओके। और कुछ क्वेरीज में इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा आपको, इसे थोड़ा गारंटी है ये ओके। सो सी आप देख सकते हो इंटरव्यू में थर्ड आया हूँ मैं, थोड़ा ब्रो मेरे से अच्छे अच्छे प्लेयर एलिसिट कर माइंड सेट वैम पे, तो बंदो बहुत तगड़ा गेम है, मज़ा आएगा दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन।